ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ये महोत्सव 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में चलेगा, जिसका नाम आदि महोत्सव रखा गया है। आदि महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान पीएम ने महोत्सव का आनंद भी लिया, वहीं जनजातीय समुदाय ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आदिवासियों की जीवन शैली का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने आदिवासियों से बहुत कुछ सीखा है। पीएम मोदी ने समारोह में कहा, मैंने देश के कोने कोने में आदिवासी समाज और परिवार के साथ अनेक सप्ताह बिताए हैं। मैंने आपकी परंपराओं को करीब से देखा भी है, उनसे सीखा भी है और उनको जिया भी है। आदिवासियों की जीवन शैली ने मुझे देश की विरासत और परंपराओं के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। आज वैश्विक मंचों से भारत आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। आज भारत विश्व को बताता है कि अगर आपको जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों का समाधान चाहिए तो हमारे आदिवासियों की जीवन परंपरा देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बैंबू से बने प्रोडक्ट्स का जिक्र करते हुए विपक्ष पर भी हमला किया और कहा कि पहले बैंबू काटने पर कानूनी कार्रवाई होती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने बैंबू को घास की कैटेगरी में ले आई। साथियों, आज भारत के पारंपरिक और खासकर जनजातीय समाज द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आज पूर्वोत्तर के प्रोडक्ट्स विदेशों तक में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज बैम्बू से बने उत्पादों की लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपको याद होगा, पहले की सरकार के समय बैंबू को काटने और उसके इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगे हुए थे। हम बैंबू को घास की कैटेगरी में ले आए और उस पर सारे जो प्रतिबंध लगे थे उसको हमने हटा दिया। इससे बैंबू प्रोडक्ट्स अब एक बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं। ट्राइबल प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बाजार तक आए, इनकी पहचान बढ़े, इनकी डिमांड बढ़े, सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। वन धन मिशन का उदाहरण हमारे सामने है। देश के अलग अलग राज्यों में 3000 से ज्यादा वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। 2014 से पहले ऐसे बहुत कम लघु वन उत्पाद होते थे जो MSP के दायरे में आते थे। अब ये संख्या बढ़कर 7 गुना हो गई है। अब ऐसे करीब 90 लघु वन उत्पाद है जिन पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP दे रही है। 50,000 से ज्यादा वनधन स्वयं सहायता समूह के जरिए लाखों जनजातीय लोगों को इसका लाभ हो रहा है। देश में जो स्वयं सहायता समूहों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा है, उसका भी फायदा आदिवासी समाज को हुआ है। 80 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस समय अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। इन समूहों में 1.25 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल मेंबर्स हैं, उसमें भी हमारी माताएं बहने हैं। इसका भी बड़ा लाभ आदिवासी महिलाओं को मिल रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने आदिवासी समाज के उत्थान का भी जिक्र करते हुए कहा कि देश जब आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को प्राथमिकता देता है तो प्रगति के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं।
इसलिए बीजेपी की सरकार ने बजट में इनके उत्थान के लिए खास प्रावधान भी किया है और बजट बढ़ा दिया है। साथियों, देश जब आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को अपनी प्राथमिकता देता है तो प्रगति के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। हमारी सरकार वंचितों को वरीयता यही मंत्र को लेकर देश विकास के लिए नए आयाम छू रहा है। सरकार जिन आकांक्षी जिला आकांक्षी ब्लॉक को विकसित करने का अभियान चला रही है उसमें ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं। इस साल के बजट में अनुसूचित जनजातियों के लिए दिया जाने वाला बजट भी 2014 की तुलना में 5 गुना बढ़ा दिया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन और आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं। देश के हजारों गांव जो कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। यानी जो युवा अलग थलग होने के कारण अलगाववाद के जाल में फंस जाते थे वो अब इंटरनेट और इंफ्रा के जरिए मुख्य धारा से कनेक्ट हो रहे हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसकी वो मुख्य धारा है जो दूर सुदूर देश के हर नागरिक तक पहुंच रही है। ये आदि और आधुनिकता के संगम की वो आहट है जिस पर नए भारत की बुलंद इमारत खड़ी। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन कर इस महोत्सव में जान भी डाल दी तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और वामपंथियों को भी आड़े हाथों लिया। चलिए अब आखिर में हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ छोड़ जाते हैं। आप सुनिए कि पीएम मोदी ने आदि महोत्सव में संबोधन के दौरान और क्या कुछ कहा। साथियों, जब मैं 20 साल पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बना था तो मैंने वहां एक बात नोट की थी। वहां आदिवासी बेल्ट में जो भी स्कूल थे, इतना बड़ा आदिवासी समुदाय था, लेकिन पिछली सरकारों को आदिवासी क्षेत्रों में साइंस स्ट्रीम की स्कूलें बनाने में प्राथमिकता नहीं थी। अब सोचिए, जब आदिवासी बच्चा साइंस ही नहीं पढ़ेगा तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनता। इस चुनौती का समाधान हमने उस पूरे बेल्ट में आदिवासी क्षेत्र के स्कूलों में साइंस की पढ़ाई का इंतजाम करके किया। आदिवासी बच्चे देश के किसी भी कोने में हो, उनकी शिक्षा, उनका भविष्य, ये मेरी प्राथमिकता है। आज देश में एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालयों की संख्या में 5 गुना की वृद्धि हुई है। 2004 से 2014 के बीच 10 वर्षों में केवल 90 एकलव्य आदिवासी स्कूल खुले थे, लेकिन 2014 से 2022 तक इन 8 वर्षों में 500 से ज्यादा एकलव्य स्कूल स्वीकृत हुए हैं। वर्तमान में इनमें 400 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है। 1 लाख से ज्यादा जनजातीय छात्र छात्राएं इन नए स्कूलों में पढ़ाई भी करने लगे हैं। इस साल के बजट में ऐसे स्कूलों में करीब 40,000 से भी ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों को भर्ती की भी घोषणा की गई है। अनुसूचित जनजाति के युवाओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप में भी 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ 30 लाख विद्यार्थियों को मिल रहा है।
साथियों, आदिवासी युवाओं को भाषा की बाधा के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई के विकल्प को भी खोल दिए गए हैं। अब हमारे आदिवासी बच्चे, आदिवासी युवा अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। साथियों, आदिवासी समाज को लेकर आज देश जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैं जब विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिलता हूं और उन्हें उपहार देता हूं, तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें कुछ न कुछ तो मेरे आदिवासी भाई बहनों द्वारा बनाए गए कुछ न कुछ उपहार होने चाहिए। आज भारत पूरी दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जाता है तो आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। आज भारत विश्व को यह बताता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेज है ना, अगर उसका समाधान आपको चाहिए, आइए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन शैली देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। आज जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया को हमारे आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम कैसे पेड़ों से, जंगलों से, नदियों से, पहाड़ों से हमारी पीढ़ियों का रिश्ता जोड़ सकते हैं, हम कैसे प्रकृति से संसाधन लेकर भी उसे संरक्षित करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं, इसकी प्रेरणा हमारे आदिवासी भाई बहन हमें लगातार देते रहते हैं। और यही बात आज भारत पूरे विश्व को बता रहा है।